हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं जो रोलिंग मिल का सेक्शन चार्ट है, कौन सा सेक्शन में कितना है, उनका साइज निकलेगा कितना, आपका रोल का गैप कितना रहेगा, स्टॉक साइज क्या रहेगा, दो चीज़ आपको हम बताएंगे। लिखा गया है ब्लेड का साइज 130 इंटू 130 का ब्लेड रहेगा, mm सेक्शन हो गया, रिब बार हो गया, रिब बार 8 mm। अब पहले आपको 8 mm के लिए बताएंगे। एक नंबर का स्टॉक साइज हो गया 144 इंटू 85, दो नंबर का 98 × 98। आपका रोल का गैप हो गया एक नंबर का 15, जो रोल का गैप होता है स्टैंड का वो 15 mm होगा, दूसरे का 15 mm, फिर तीसरे का 10, ऐसे आप देख लीजिए, 300 ले आप चालीस ले लीजिएगा, आपको देखने में दूसरे जगह परेशानी नहीं हो, कहीं भी इस चार्ट से आप यूज कर सकते हैं। ये चार्ट आप देख लिए, ये 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, आपको 36 तक ले इसमें दिखाया गया। 36 का स्टॉक में आपका स्टैंड नंबर 10 से ही आपका स्टॉक निकल जाता है, 36 mm तक आपका निकल जाएगा, फिनिशिंग यही आपका स्टैंड नंबर 10 से फिनिशिंग हो जाएगा, ये देख लिए। उसके बाद ये देखिए ट्विस्टर गाइड, ट्विस्टर गाइड एंगल, आप लोग पूछते थे कि ट्विस्टर गाइड का एंगल कितना होता है, जो कि आपको बोर्ड पर हम दिखा रहे हैं। स्टैंड नंबर देख लीजिए, जहां जहां आपका ट्विस्टर गाइड लगता है, 6 नंबर में आपका ट्विस्टर गाइड लगेगा, 6 नंबर स्टैंड में ट्विस्टर गाइड जब भी लगता है, डिलीवरी साइड में लगता है, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, उसका एंगल देख लीजिए, दोनों का एंगल देख लिए। अब आपको दूसरा चीज दिखा रहे हैं,